गांव में आकर रोटी मरूटी लेके बात खड़ी गई। कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आगम काजल लगा लो दूसरे को सुनती है ना, वैसी भाग खड़ी भी कैसी बजाई, कैसी बजाई है, we'll be right back.
पार्वती बोली प्रभु तुम हमारे पीछे पीछे चलते रहे। बिल्कुल पीछे बोले बाबा चल रहे। जैसे ही महाराज में पहुंचे हैं वे दोनों पहले गेट पे ललिता आई गई। बोली पार्वती जवाब दिया हाँ मैं आज बड़ा लेट है गई। तो बोली काम धंधो करती रही चलो कोई बात ना काम धंधो करती रही लेकिन आज तुम्हारे साथ में नहीं वो कौन है। जवाब दिया तुम्हें ना पता हमारे गणेश लला के मुंह है गणेश लला के मुंह। चलो चलो आगे बढ़ो। जैसे ही कुछ आगे बढ़े भगवान का नैया मिल गए। पूछी पार्वती आ प्रभु जब नहीं बहुरिया किन की है जब तुम्हें पता ना है तुम्हें पता ना है हमें का पता है नहीं बताओ ना मेरी बात सुनो बोलो कि मेरे गणपति की जो हमारे लला गणेश है ना हाँ गणेश की मेरे गणपति की बहुरिया जैसे ही आगे बढ़ करके भगवान का नैया मुंह देखने के लिए बड़े हैं तो भोले बाबा को जात और मुंह बारो कहने लगे भोले बाबा तुम्हें शर्म ना आई। भोले बाबा कहने लगे तू तो ये कह रहा था कि पुरुष कोई महाराज में आ नहीं सकता लेकिन उसी समय भैया I'm
इस तरीके से प्रभु ने महाराज किया। इधर भोजराज कंस की सभा में देवऋषि नारद पहुंचे, जवाब दिया ना कहीं दंतराज। हाँ महाराज बोलिए। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी चिंता घटी नहीं बल्कि बढ़ गई। चिंता बढ़ गई घटी थी, कहां से बढ़ गई? दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कमजोरी आती जा रही है। ऐसा करो, बोलो अपने यहाँ से पूजन धनुषेक करो। बहुत सुंदर, अच्छी बात। कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दो। अच्छा। क्योंकि जो जेल में बालक पैदा हुआ था वो हकीकत में कृष्ण ही था। अच्छा। हाँ, धोखा किया बस। धोखा दिया बस। ए नारद जी कहिए तो मैं बैठा बसते देव किसी निपटना मुझे लंका ढाबे मौका मीठा। वसुदेव को मारने से तुम्हारी समस्या कैसे होगी बताई? अपने यहाँ से पूजन धनुषेक करो। अच्छा। कन्हैया और बलराम को बुलाओ और फिर जय जैसे मत। ठीक आवाज। अब हम कैसे भेजें? अक्रूर अक्रूर कहिए तो मैं